गद्दी पर बैठने वाले अंतिम हिंदू राजा थे पृथ्वीराज चौहान। बाद में सन 1911 में अंग्रेजों ने विधिवत दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया। पृथ्वीराज का जन्म सन 1166 में गुजरात के अनहिलपाटन में हुआ था। उनके पिता थे सोमेश्वर चौहान, जो अजमेर के चौहान वंशीय राजा थे, और उनके नाना थे दिल्ली के राजा अनंग पाल। पृथ्वीराज बचपन से तलवारबाजी और घुड़सवारी जैसे खेलों के शौकीन थे। शिकार भी उनका एक प्रिय खेल था। कहा जाता है कि किशोर अवस्था में पृथ्वीराज ने अपने बलबूते पर एक शेर को मार दिया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी शब्द भेदी बाण। वे केवल आवाज से अचूक निशाना लगा सकते थे। उनकी वीरता से प्रसन्न होकर अनंग पाल ने दिल्ली की गद्दी पर उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। 16 वर्ष की आयु में दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद पृथ्वीराज ने दिल्ली में गढ़ी पिथौरा नाम का एक किला तो बनवाया, लेकिन अजमेर से अपना नाता नहीं तोड़ा और दोनों नगरों को राजधानी का दर्जा दिखा दिया। लगातार विजय अभियान चलाकर उन्होंने अपने राज्य की सीमाओं को गुजरात और पूर्वी पंजाब तक बढ़ा लिया। कहने की जरूरत नहीं कि बहुत से राजाओं को यह बात पसंद नहीं। इनमें एक राजा जयचंद, जिनकी राजधानी कन्नौज में थी और जिनका राज्य दिल्ली के पूर्व में काफी दूर तक फैला था। लेकिन विडंबना यह थी कि राजा जयचंद पृथ्वीराज की प्रगति और प्रसिद्धि से जितना जलते थे, उनकी बेटी सहयोगिता इन बातों से उतनी ही प्रभावित थी। दूसरी ओर पृथ्वीराज ने भी उसकी सुंदरता के विषय में बहुत कुछ सुन रखा था और वे भी मन ही मन उसे चाहने लगे थे। जब राजा जयचंद को पता चला कि उनकी बेटी पृथ्वीराज से प्रेम करती है, तो वे गुस्से से आग बबूला हो गए। वे और तो कुछ न कर सके, लेकिन उन्होंने तुरंत संयोगिता का विवाह करने का फैसला कर लिया। एक तीर से दो शिकार करते हुए इस मौके पर उन्होंने पृथ्वीराज का अपमान करने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने संयोगिता के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें वो अपने पसंद का वर चुन सके। संयोगिता यह समाचार सुनकर प्रसन्न हो गई, लेकिन वो जयचंद की चाल नहीं समझ पाई थी। जयचंद ने भारत के सभी छोटे बड़े राजाओं को आमंत्रित किया सिवाय पृथ्वीराज के। यही नहीं, पृथ्वीराज का और भी अधिक अपमान करने के लिए उन्होंने पृथ्वीराज की एक मूर्ति बनवाई और उसे द्वारपाल बनाकर विवाह मंडप के प्रवेश द्वार पर रख दिया। नियत समय पर संयोगिता जयमाल लेकर और बिना उसे किसी के गले में डाले राजाओं की पूरी पंक्ति पार कर प्रवेश द्वार तक चली गई। वहां उसने जयमाल पृथ्वीराज की मूर्ति के गले में डाल दी। जयचंद के साथ साथ सारे उपस्थित राजा सन्न रह गए, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी। अगले ही पल मूर्ति के पीछे से पृथ्वीराज निकले और उन्होंने संयोगिता को अपने घोड़े पर बिठा लिया। जब तक जयचंद और अन्य राजा सन्न रहे और कुछ करें, तब तक तो वो दूर निकल चुके थे, और शीघ्र ही दोनों अपने विश्वास पात्र सैनिकों के संरक्षण में दिल्ली पहुंचे। इस बीच अफगानिस्तान के गौर प्रदेश का शासक मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी भारत की तरफ आ रहा था। 1191 में पश्चिमी पंजाब में राज कर रहे महमूद गजनवी के वंशजों को उसने आसानी से हरा दिया और अपनी सेना लेकर भटिंडा तक आ पहुंचा। किंतु यहां से तो पृथ्वीराज के राज्य की सीमा आरंभ होती और पृथ्वीराज से लोहा लेना इतना आसान न था। मगर अपनी जीत के नशे में चूर गौरी भटिंडा के किले पर आक्रमण कर बैठा और उस पर कब्जा कर लिया। ये समाचार मिलते ही पृथ्वीराज भटिंडा के लिए निकल पड़े। थानेसर के नजदीक तरैन में दोनों सेनाओं का ऐतिहासिक मुकाबला हुआ। गौरी की सेना को पिछली जीतों का घमंड था, तो पृथ्वीराज की सेना की प्रेरणा स्रोत थी उनकी देशभक्ति। स्वयं पृथ्वीराज अपने सैनिकों को ललकार कर उनमें जोश जगा रहे थे। कई कई सैनिकों से अकेले लोहा लेते पृथ्वीराज को देख उनके सैनिकों का खून भी उबाल खा रहा था, और वे हमलावर सेना पर ऐसे टूटे पड़ रहे थे जैसे स्वयं काल ने मनुष्य रूप ले लिया। गौरी की सेना को इतने कड़े मुकाबले की उम्मीद न थी।
जल्दी ही उनके पांव उखड़ने लगे। अनुपम युद्ध कौशल का परिचय देते हुए पृथ्वीराज ने तीन दिशाओं से उन पर हमला किया। अफगानी फौज में हाहाकार मच गया और गौरी पराजित होकर अपने देश लौट गया। किंतु अगले ही वर्ष यानी 1192 में गौरी फिर से अपनी फौज सहित आ गई। इस बार उसके साथ थी 120,000 की विशाल फौज। जब उसने फिर से भटिंडा के पास घेरा डाला तो पृथ्वीराज तुरंत अपनी सेना लेकर वहां पहुंचे। पृथ्वीराज ने पिछले साल की हार की याद दिलाते हुए गौरी को एक संदेश भेजा और कहा कि वो लौट जाए। इस पर चालबाज गौरी ने अपनी सेना थोड़ी पीछे हटा ली ताकि वो छल कपट की नीति अपना सके। अपनी सेना लेकर लौटने के बजाय उसने अंदर ही अंदर तैयारी जारी रखी। पृथ्वीराज को लगा कि वो उनकी बात मान गया है, वो उसकी चाल नहीं समझ सके एवं सामान्य रूप से अपना पड़ाव डाले रहे। फिर एक दिन भोर के प्रथम प्रहर में गौरी ने अचानक दैनिक नित्य कर्म व पूजा पाठ में व्यस्त राजपूत सेना पर हमला कर दिया और कत्लेआम मचा। धोखे की काट न वीरता से हो सकती है और न साहस। पृथ्वीराज जैसा वीर आखिर धोखे का शिकार होकर सिरसा के निकट बंदी बनाया गया और गजनी ले जाया गया। वहां गौरी के दरबार में जब उनकी पेशी हुई तो उनकी आंखों के तेज से गौरी को घबराहट होने लगी। उसने पृथ्वीराज से नजर झुकाने को कहा। पृथ्वीराज ने जवाब दिया कि सच्चे राजपूत की नजर सिर्फ मृत्यु ही झुका सकती है और कोई भी नहीं। इस पर गौरी ने उनकी दोनों आंखें निकालने का आदेश दिया लेकिन पृथ्वीराज की नजर फिर भी नहीं झुकी। आखिर उन्हें अंधा करके कारागार में डाल दिया गया। पृथ्वीराज के राजकवि और उनके अभिन्न मित्र चंद्रबरदाई से पृथ्वीराज की दुर्दशा सहन नहीं हो रही थी। उन्होंने गौरी के दरबार में हाजिर होकर कहा कि पृथ्वीराज बिना देखे भी अचूक निशाना लगा सकते। गौरी को इस बात पर विश्वास नहीं और उसने इसकी सच्चाई परखने के लिए पृथ्वीराज को दरबार में बुलाया। एक धनुष और एक बाण पृथ्वीराज के हाथ में दिया गया और उनसे कहा गया कि वो अपने निशाने का कमाल दिखाए। पृथ्वीराज ने कहा कि मैं राजा, मैं किसी अन्य का आदेश नहीं मानूंगा। मैं तभी बाण चलाऊंगा जब स्वयं सुल्तान मुझे आदेश देंगे। गौरी ने उन्हें बाण चलाने का आदेश दिया। उसकी आवाज सुनकर पृथ्वीराज को गौरी की दिशा का पता चल गया। तभी चंद्रबरदाई ने एक दोहा पढ़ा जिसमें यह बताया गया था कि वो कितनी दूरी पर है और कितनी ऊंचाई पर। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मच्छू के चौहान। गौरी की स्थिति का पूरा पता मिलते ही पृथ्वीराज ने एक शब्द भेदी बाण चलाया जो सीधा जाकर सुल्तान के सीने में धंसा। सारे दरबारी स्तब्ध रह गए। इसके पहले कि उन्हें होश आए पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई ने एक दूसरे के सीने में कटारे फूंक कर अपने प्राण दे दिए। किंतु मरते मरते जिस वीरता, जिस शौर्य, जिस साहस का परिचय पृथ्वीराज ने दिया उसकी जोड़ विश्व के इतिहास में भी मिलना मुश्किल है। ऐसा स्वाभिमानी वीर इस वीर जननी राजस्थान की भूमि पर ही पैदा हो सकता था और जब तक ये भूमि रहेगी तब तक पृथ्वीराज की वीरता की गाथाएं गाई जाएंगी। राजस्थान के ब्रिटिश इतिहासवेत्ता कर्नल जेम्स टॉड ने अपने उल्लेख में कहा है यदि पूरे विश्व कहीं वीरता का ज्वलंत उदाहरण देखना तो वो हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के व्यक्तित्व में देखा जा सकता है।